my channel. As you all know that festive season is around the corner. बहुत सारे festivals back to back हैं, like करवा चौथ आने वाला है, then Diwali, उसके बाद wedding season start हो जाएगा, उसके बाद New Year and you know so on. हर कोई चाहता है कि उसकी skin bright हो, clear हो, spot free लगे. So in this video, I am going to tell you how you can get bright, glowing, clear skin. So without further ado, let's just get started with the video. So this video is sponsored by HealthWit और उन लोगों ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं, दो प्रोडक्ट्स भेजे हैं, तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो जो मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज कोजी केयर स्किन सोप. तो बेसिकली ये एक सोप है जो कि आपके स्किन पे एंटी एजिंग का काम करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को और साथ ही साथ सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन देता है. बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू क्लियर फ्यू थिंग्स. मैं किसी भी तरह का वाइटनिंग या लाइटनिंग प्रिफर नहीं करती हूँ, बट येस आई डू प्रिफर ब्राइटनिंग. स्कार्स जो मार्क्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्लियर स्किन, ग्लोइंग स्किन, इस पर मैं डेफिनेटली आई डू प्रमोट. तो मैं चाहती थी कि आप कुछ गलत ना ले लें इस वीडियो को, सो दैट्स व्हाई मैंने पहले ही ये पॉइंट क्लियर कर दिया है. तो इसके इस सोप के अंदर स्पेशलिटी क्या है, इस सोप के अंदर कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायन है, आर्बुटिन है एंड विटामिन सी एंड ई है. तो बेसिकली कोजिक एसिड क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. कोजिक एसिड एक तरह का एसिड है जो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स या स्किन कंडीशंस होता है, जैसे कि सन डैमेज हो जाता है आपकी स्किन पे, एक्ने स्कार्स होते हैं, एजिंग होता है, ये उसको ट्रीट करता है. उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प किया जाता है इस एसिड को. ये डायरेक्टली जाकर के जो हमारी स्किन के मेलानाइन प्रोडक्शन होता है उसमें वर्क करता है, तो उससे आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक ठीक होती हैं. फिर विटामिन सी और विटामिन ई हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ये इस तरह से सोप दिखता है, मैं इसको ओपन करके बताती हूँ. अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया है, तो मैं आफ्टर 20 डेज के यूज के बाद आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी. इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है और बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही माइल्ड परफ्यूम भी नहीं बोलूंगी मैं, बहुत ही माइल्ड सी ऐसा लग रहा है जब आप स्पा ट्रीटमेंट्स करवाना चाहते हो तो जो फ्रेगरेंस नहीं आती है उस तरह की इसके अंदर से फ्रेगरेंस आ रही है. अच्छी सी फ्रेगरेंस है, ऐसे माइंड आपके दिमाग को खराब करने वाली फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है. ये जो सोप है ये किसी भी तरह का डिसकलरेशन को एमिट करता है, जैसे कुछ जगहों पर सपोज मुझे यहाँ पर डिसकलरेशन है, यहाँ थोड़ा सा डिसकलरेशन मुझे नोज के आसपास भी है, यहाँ पे मेरा काफी रेड रहता है. सो यू नो ये इस तरह के जो स्किन के डिसकलरेशन होते हैं, किसी को कहीं पे ब्लैक पैच होता है, कुछ किसी को कहीं होता है, तो ये उसको भी हटाता है. ये आप इसको फेस एंड बॉडी दोनों पे ही यूज कर सकते हैं. ये आपकी स्किन के जो एक्ने मार्क्स है उसको रिमूव करता है. तो Definitely I have acne prone skin और मेरे फेस पे acne marks हैं, तो मैं definitely इसको try करके देखूंगी कि ये work कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसके अंदर sunscreen मिला हुआ है, तो आपको अलग से sunscreen लगाने की जरूरत नहीं है. तो ये sun damage से आपको protect भी करता है और sun damage आपके skin पे अगर हो गया है तो उसको ठीक भी करता है, repair भी करता है. इसको आपको दिन में दो बार यूज करना है, एक बार आप सुबह फेस वॉश इससे करिए और एक बार आप रात में फेस वॉश यूज करिए. ये बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है. और बेटर रिजल्ट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रॉपर और रिव्यू करूं, तो मैं 15-20 डेज बाद खुद इसको यूज करूंगी एंड देन आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है मेरे स्किन पे. तो नेक्स्ट मेरे पास इसी का कोजी केयर का स्किन सेरम आया है, तो अगर आप दोनों साथ में यूज करते हैं तो इफेक्ट ज्यादा अच्छे होंगे. तो ये जो कोजी केयर का स्किन सेरम है, दिस इज एनरिच्ड विद कोजिक एसिड, आर्बुटिन एंड ग्लूटाथायन. ये डिक्रीज करता है डार्क स्पॉट्स एंड लाइटन करता है आपके स्किन शेड को. देन फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड डीपर पेनिट्रेशन, हाईली कंसेंट्रेटेड क्विकर एक्टिंग फॉर्मूलाज. तो यूजुअली सेरम जो होता है, जैसे कि हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि सेरम यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यही सेरम नहीं, कोई भी सेरम आप यूज कर सकते हैं आपके स्किन के अकॉर्डिंगली, बट सेरम इज वेरी मस्ट फॉर योर स्किन केयर रिजीम. बिकॉज जो हमारा मॉइस्चराइजर या हम कोई भी क्रीम लगाते हैं ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्किन पे जाकर के वर्क करता है, लेकिन जो सेरम होता है ये डीपली पेनिट्रेट होकर के हमारे स्किन पे काम करता है. तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ ओपन करके कि किस तरह की बॉटल है. तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी बिल्कुल सोप के जैसा ही है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. ये बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये स्टिकी है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे लिए ये देखना ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि ये स्टिकी तो नहीं लग रहा है. एंड ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रहा है, दैट मीन्स इट इज गुड फॉर ऑयली स्किन एज वेल. रिंकल्स,
डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स को ये रिमूव करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइट एंड स्मूथ बनाता है। तो इसके कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये बिल्कुल जेंटल है आपकी स्किन पर, तो आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। इस सीरम को आप अपने फेस के सारे पार्ट्स पे यूज कर सकते हैं जेंटली, क्योंकि इसमें कोजिक एसिड, ग्लूटाथायन एंड विटामिन सी है, तो विजिबली आपको आपकी स्किन पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसको आप इंटीमेट एंड सेंसिटिव एरियाज में भी यूज कर सकते हैं टू गेट द लाइटर इफेक्ट। ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है एंड क्विकर इफेक्टिव फॉर्मूला इसके अंदर है, फटाफट से रिजल्ट दिखाता है। ये डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है। आपके जितने भी स्किन पिगमेंटेशन इश्यूज होंगे उनको ये कम करता है। So I'm really excited to try these two products and let's see कि इसका result कैसा आता है। तो 15-20 days में मैं इसको आपको result बताऊंगी। And that's it for my video. If you want to buy these two products, link will be in the description box. If you like my video, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. I'll meet you in my next video. Till then, bye.